तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहते हैं कि कहते हैं कि टू मेटालिक स्पीयर है, एक मेटालिक स्पीयर ये वाला है और दूसरा मेटालिक स्पीयर सेम रेडियस का है ये वाला। तो ये रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, लेकिन एक होलो है दूसरा सॉलिड है, बोथ हैव सेम रेडियस। सॉलिड स्पीयर हैव लोअर चार्ज। अरे भाई, जब यहाँ से चार्ज दोगे तो दोनों पे सेम चार्ज होगा, क्योंकि सॉलिड स्पीयर का अगर तुम देखोगे जो चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा दोनों का सेम होगा, क्योंकि ये वाली जो चीज़ सेम है तो चार्ज ऑन फर्स्ट स्पीयर, चार्ज ऑन सेकेंड स्पीयर बराबर होगा, क्योंकि सिग्मा सेम होगा। यहाँ से तुम देखोगे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ से नहीं क्लियर होगा तो पोटेंशियल ऑफ ए सरफेस इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर आ जाएगा, और पोटेंशियल ऑफ बी सरफेस इज इक्वल टू के क्यू बी ओवर आर आ जाएगा। तो ये सरफेस पोटेंशियल दोनों का इक्वल होगा, तो चार्ज ऑन ए चार्ज ऑन बी इक्वल होगा, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, दोनों पे सेम चार्ज आएगा। द कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक स्पीयर डिपेंड अपॉन द रेडियस। तो अगर मेटालिक स्पीयर है तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है भाई? तो मेटालिक स्पीयर की जो कैपेसिटेंस होती है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर होती है, ठीक है ना, वैक्यूम में। तो रेडियस पे तो डिपेंड करती है, रेडियस बढ़ाने से कैपेसिटेंस यहाँ पर देखोगे तो रेडियस पे तो डिपेंड करती है। ये आइसोलेटेड है, इसका एक प्लेट इन्फिनिटी पर है, ठीक है। तो एक आइसोलेटेड है और एक प्लेट इसका इन्फिनिटी पे है। तो ये जो फर्स्ट है, जो सेकेंड है वो सही है, मतलब ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये ऑप्शन ही इसका सही आ जाता है, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।